हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12, आज का सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, शुरू हो जाइए। आपको 1 से लेकर के 25 तक का नंबर लिख लेना है और हम क्वेश्चन और इसका ऑप्शन दोनों दे रहे हैं। आपको जो भी सही लगता है आप अपना लिख लीजिएगा और वीडियो के अंत में इसका आंसर देंगे, जिससे आप मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं। आपका ऑप्शन है प्रतिभाशाली, मूढ़, सुस्त, औसत। दूसरा क्वेश्चन, फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है। आपका ऑप्शन है बहन से, भाई से, माँ से, पिता से। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सेल्डर के व्यक्तित्व तो प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है। आपका ऑप्शन है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, गोलाकार, उभयमुखी। चौथा क्वेश्चन, किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया? आपका ऑप्शन है बीने, टर्मन, अस्टर्न, साइमन। पांचवा क्वेश्चन, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? आपका ऑप्शन है वुड तथा वुड, सैलावे तथा मेयर, गोलमैन, जेम्स वार्ड। छठा क्वेश्चन, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? आपका ऑप्शन है लिकर्ट, गिलफोर्ड, थर्स्टन, गार्डनर। सातवां क्वेश्चन, किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? आपका ऑप्शन है 1984, 1994, 1954, 1964। आठवां क्वेश्चन, मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने विकसित किया? आपका ऑप्शन है बीन, अस्टर्न, टर्मन, बीने तथा साइमन। नौवां क्वेश्चन है, किसने आत्मसिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया? आपका ऑप्शन है मास्लो, रोजर्स, फ्रायड, यूरा। दसवां क्वेश्चन, सामूहिक अचेतन के विषय को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है मनोग्रंथि, आर्किटाइप, परसोना, एनिमा। 11वां क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण का नवीनतम पद्धति है? आपका ऑप्शन है DSM-3R, DSM-4, ICD-10, WHO। 12वां क्वेश्चन, रोसार्क परीक्षण है? आपका ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, प्रक्षेपी परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। 13वां क्वेश्चन है, एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशिष्टता होती है? आपका ऑप्शन है स्नायुविक दुर्बलता, निद्रा व्याघात, अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी, निम्न में से कोई नहीं। 14वां क्वेश्चन है, एडलर के मनोविज्ञान को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है गत्यात्मक मनोविज्ञान, व्यक्तिक मनोविज्ञान, मानवतावादी मनोविज्ञान, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। 15वां क्वेश्चन, सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? आपका ऑप्शन है मास्लो, रोजर्स, फ्रायड, इनमें से कोई नहीं। 16वां क्वेश्चन है, नलिका विहीन ग्रंथि का नाम है? आपका ऑप्शन है बहिःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, कंठ ग्रंथि। 17वां क्वेश्चन, पूर्वाग्रह एक प्रकार है? आपका ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति, संवेग, प्रेरणा, मनोवृत्ति। 18वां क्वेश्चन, किस चिकित्सा पद्धति में सीखने के सिद्धांतों का प्रयोग होता है? आपका ऑप्शन है मनोविश्लेषण चिकित्सा, समूह चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा, इनमें से कोई नहीं। 19वां क्वेश्चन है, किसी सामान्य प्रक्रिया को व्यक्ति द्वारा असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है आतंक, दुर्भीति,
सामान्यीकृत दुश्चिंता, मनोग्रसित बाध्यता। 20वां क्वेश्चन है, कौन थार्न डाइक के सीखने का नियम नहीं है? आपका ऑप्शन है साहचर्य नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। 21वां क्वेश्चन है, सीखने के सूझ सिद्धांत के अनुसार प्राणी को सफलता मिलती है? आपका ऑप्शन है संयोगवश, क्रमशः, एकाएक, इनमें से कोई नहीं। 22वां क्वेश्चन, मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि का प्रवर्तक कौन है? आपका ऑप्शन है उंड, विलियम जेम्स, वाटसन, इनमें से कोई नहीं। 23वां क्वेश्चन, निम्नांकित बुद्धि परीक्षणों में से कौन सा शाब्दिक परीक्षण है? आपका परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, धन निर्माण परीक्षण, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। 24वां क्वेश्चन है, कुंठा आक्रामकता सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? आपका ऑप्शन है जॉन डोलार, एडवर्ड हॉल, कॉटरेल, इनमें से कोई नहीं। 25वां क्वेश्चन है, विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन है द्वंद्व, तर्क, कुंठा, दमन। दोस्तों, यह था आपका 1 से लेकर 25 तक का क्वेश्चन। अब आप इसका आंसर मिला लीजिए कि आंसर क्या होगा। चलिए आंसर मिलाइए, 1 का अ, 2 का स, 3 का अ, 4 का ब, 5 का ब, 6 का द, 7 का द, 8 का अ, 9 का ब, 10 का अ, 11 का ब, 12 का ब, 13 का अ, 14 का स, 15 का ब, 16 का ग, 17 का द, 18 का स, 19 का द, 20 का द, 21 का ब, 22 का अ, 23 का ब, 24 का अ, 25 का स। दोस्तों, यह था आपका आंसर। आप मिलाकर के कमेंट के द्वारा जरूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।